Let's take you live to Islamabad, where Prime Minister Imran Khan is addressing the launching ceremony of Pakistan's first ever locally produced e-bike. आपको अंदाजा होगा कि आपका कितना अमीर मुल्क है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। हमें इम्पोर्ट्स की जरूरत नहीं है कि हर चीज इम्पोर्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट है ना, हर चीज इम्पोर्ट कर लो। तो ये नहीं सोचते कि वो थोड़े से लोगों को तो फायदा होता है जो इम्पोर्टर्स है, लेकिन मुल्क के लिए तो वो नुकसान है क्योंकि आपके डॉलर ज्यादा बाहर जा रहे हैं। Importing is obviously, ये भी मैं समझा दूं, is not good for the country as the dollars are going outside the country instead of coming inside. रुपए के ऊपर जोर पड़ता है। जब डॉलर कम होता है तो रुपए की गिर जाती है, डॉलर ऊपर चला जाता है। डिवैल्यूएशन जिसको कहते हैं, इट डेप्रिशिएट्स। जब आपका रुपए की कीमत गिरती है, सब कुछ महंगा हो जाता है। And when the rupee falls, when there is a depreciation in the rupee, then inflation increases in the country. एक नया रोड मैप पाकिस्तान को देना है। We have to give Pakistan a new roadmap. सबसे पहले अपने आने वाली नस्लों का सोचना है। ये जो माहौलियत है हमारी, the coming generations. ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो पाकिस्तान को मुतासिर करती है। To protect them from global warming. इस पैमाने पे In of which Pakistan is being most affected by. Internationally acknowledged है, मुझे इसका बड़ा फखर है कि दुनिया में पाकिस्तान are leader internationally recognized and acknowledged. Environment के अंदर, global warming के policies that we have produced made for the climate. दूसरी जो हमारी कैंपेन है वो ये Our second campaign अपनी दौलत का वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, दौलत में इजाफा कैसे करें, is वो कौन कौन से how to produce wealth in our country. माशाल्लाह तेजी से ऊपर जा रही है, आगे हमें क्या मसला आएगा? हमें मसला तब आएगा कि अगर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, डॉलर्स की कमी होनी शुरू हो गई, क्योंकि ज्यादा डॉलर्स बाहर जाने शुरू हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, तो ये हमारे रोकेगा हमारी ग्रोथ। फिर हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। लिहाजा अभी से हम वो सब कदम उठा रहे हैं कि हमारे मुल्क में डॉलर की कमी ना हो, एंड हेंस देन वी विल हैव टू गो टू द आईएमएफ, हमारी ग्रोथ से वी हैव टू मेक श्योर, और उसके लिए हर वो चीज करनी है हमने, जो चीज हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में जो अवेलेबल है उसको उसको इस्तेमाल करें, और सारी इन्वेस्टमेंट इस तरह करें कि पाकिस्तान से हम चीजें एक्सपोर्ट कर सकें। इन्वेस्टमेंट भी जो बाहर से पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से बाहर कितनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकें, और ये हमारा दूसरा है। और इंशाल्लाह मुझे जो तीसरी चीज बड़ा इस मुल्क के लोगों के ऊपर पूरा इत्मीनान है, एंड थर्डली कि जब भी इस मुल्क के लोगों को ट्रस्ट किया गया ऑन माय पीपल, जब भी हमने मुश्किल वक्त आया, जल्जला आया, वी हैव फेस्ड डिफिकल्टीज, फ्लड्स जब आए 2010 वी हैव फेस्ड फ्लड्स इन 2010, जब भी लोगों को इस मुल्क के टेस्ट किया गया, तो व्हेनेवर द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर टेस्टेड, उनमें वो खुले दिल के लोग हैं, जेनरोसिटी है। अगर आज टैक्स नहीं दे रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको ये एतमाद ही नहीं है कि हमारा टैक्स सही तरह इस्तेमाल होगा। They have great generosity. उनको अब एतमाद बहाल कर रहे हैं, उनका If they hadn't been paying taxes, अपने खर्चे कम कर रहे हैं, फजूल खर्ची कम कर रहे हैं, they will start paying taxes in the future. पैसे खर्च करते हैं, अपने से शुरू कर रहे हैं, अपनी मिसाल से। वो प्रोटोकॉल के पैसे हम पूरा बचा रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर तीन साल में 108 करोड़ रुपया हमने इन दो हाउसेज का कम किया है, और जो बाहर की ट्रेवल है उससे पैसा बचा रहे हैं। We also saving money अपने from foreign traveling. बताने के लिए कि आपके टैक्स Just हम to send करते हैं। A message हम आपका टैक्स आपके ऊपर Pakistani खर्च करेंगे, अपने ऊपर खर्च करने के लिए, तो जैसे जैसे टैक्स अमाउंट उनका ये इत्मीनान बहाल होता जाएगा, on our protocols, on इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क की दौलत में इजाफा होता जाएगा, मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, एंड इंशाल्लाह जो हमारे ज़ेर में willing, ये गुलामी आई हुई है कि जब तक एड नहीं आती, once again, बाहर से नहीं आती या कर्जे नहीं आते, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क का कंट्रीज कैन नॉट रन बाहर जाता तो पहले foreign loans. जी कितने पैसे लेके आए, कितनी जी इमदाद मिली, a leader used to go out कामयाब दौरा whenever they used to come back, so they used to be questioned how much loans have you acquired. जब तक ये ज़ेदी गुलामी से नहीं हम निकलेंगे, we have to get जब rid तक of the slavery. अपने पैर पे नहीं खड़ा होता उसको पता ही नहीं चलता कि उसके उसके अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत दी। Until a man doesn't stand on his own feet, he cannot realize how strong he is. पाकिस्तान अब तीसरे रास्ते पे निकल गया अपने पैर पे खड़े होने के लिए। पाकिस्तान इज ऑन ए न्यू डायरेक्शन कि ये एक महीनों में, सालों में, एंड इन मंथ्स एंड इन ईयर्स मुल्क बनेगा। पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम अ ग्रेट नेशन। फिर से
मुबारक देता हूँ, खराज पेश करता हूँ, इंशाल्लाह आपकी हुकूमत पूरी मदद करेगी कि और हम कैसे आपको And the government is going to help you in the future projects as well. That was Prime Minister Imran Khan in Islamabad addressing the launch of Pakistan's first ever locally produced e-bike. And he once again emphasized that the local production needs to improve so that the imports can be reduced and hence Pakistan can become standing on its feet. We'll keep you updated with this and all the latest from around the world. Keep watching Indus News.